بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، हर बीवी अपने शौहर से ये चार बातें ज़रूर छुपाती है। शौहर के फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि बीवी की जिस्मानी और अखलाकी असलाह की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि औरत सिनफ नाजुक है, इसलिए वो हर वक्त मर्द की निगहदाश्त की मोहताज है और मर्द उसकी इज्जत व असमत का निगहबान है। इसलिए इस बारे में गफलत की तो बाज़ पुरस की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो बीवी के राज से वाकिफ हो और उसने उसे जाहिर कर दिया हो। उसके अलावा बीवी के अजीज़ों और रिश्तेदारों का एहतराम लाजिम है कि उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आए और बीवी बच्चों के साथ खुश मिजाजी से पेश आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजवाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले जाते तो खंदा पेशानी और शगुफ्ता मिजाजी से पेश आते। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको चार ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनको हर औरत अपने शौहर से छुपाती है। इन चार बातों की खबर वो अपने शौहर को कभी नहीं होने देती, क्योंकि हर औरत को ये लगता है कि अगर उन बातों के बारे में उनके शौहर को पता लग गया तो कहीं ये बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह ना बन जाए और कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह व बर्बाद ना हो जाए। और साथ ही हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से चार ऐसी बातों के बारे में भी बताने वाले हैं कि जिनका जिक्र कभी भी भूलकर शौहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शौहर इन बातों का जिक्र अपनी बीवी के सामने रख दे तो उससे इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और नहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, अभी अभी मेरी नई शादी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि शौहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने ना करने मियां बीवी का ताल्लुक ख़राब ना होता हो और हमेशा मियां बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बनी रहती हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने शौहर और बीवी के दिल कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाली है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से फिर बीवी अपने शौहर की इज्जत बंद कर देती है, देखते ही देखते मियां बीवी का ताल्लुक ख़राब हो जाता है। इसलिए ऐ शख्स, याद रखना, चार ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने मत करना, उनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत बताना। नंबर एक, भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने गैर औरत यानी किसी दूसरी औरत की तारीफ मत कर देना, क्योंकि ये याद रखना, हर औरत ये चाहती है कि उसके शौहर के मुंह से हमेशा उसकी ही तारीफ निकले, इसलिए किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना तुम्हारी बीवी को कभी पसंद नहीं करेगी। इसलिए ऐ शख्स, तुम अगर चाहते हो कि तुम दोनों में हमेशा प्यार और मोहब्बत कायम रहे तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी बीवी तुमको शक की नज़रों से देखने लगेगी, यानी कि तुम पर शक करने लगेगी, और शक एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े घर को तबाह बर्बाद कर देती है। नंबर टू, बीवी के सामने कभी रोना धोना मत करना, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी की वजह से, किसी की तकलीफ़ की वजह से रोना मत, क्योंकि हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मजबूत हो, बहादुर ताकतवर हो, हर परेशानी और हर तकलीफ़ में उसका हर तरह से बचाव और हिफाजत कर सके। इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना, ऐसा शौहर अपनी बीवी की नज़रों में एक कमज़ोर इंसान बनकर रह जाता है। ऐसे शख्स की फिर बीवी इज्जत करना बंद कर देती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बीच हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे, तुम कभी भी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। नंबर थ्री, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कभी भी भूलकर अपनी बीवी के सामने माँ बाप अपने भाई बहन की बुराई मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे तो फिर आपकी बीवी के सामने आपके बाप बहन भाई की इज्जत ख़त्म हो जाएगी और देखते ही देखते उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। इसके अलावा वो कभी भी अपनी बीवी के सामने
उनके माँ बाप, उनके भाई बहन की भी बुराई मत करना। अगर आप बीवी के सामने उनके घर वालों को बुरा भला कहोगे, उनकी गलतियाँ निकालोगे, तो ये बात भी बीवी को कभी बर्दाश्त नहीं होगी। वो आपसे नफरत करने लगेगी और फिर आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, कभी भी भूल कर अपनी बीवी को अपना कोई ख़ास राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल में कभी भी कोई राज नहीं रुक सकता। क्योंकि हर औरत की ये फितरत होती है कि जब तक वो उस बात को किसी और को ना बता दे, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। इसलिए कभी भूल कर भी बीवी को अपना कोई ख़ास राज मत बता देना। अब नाज़रीन, आपको वो 4 बातें बताती हैं जिनको हर औरत अपने शौहर से ज़रूर छुपाती है। नंबर 1, अपना मर्द। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी औरत अपना मर्द यानी अपनी कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती। जहाँ तक हो सके वो अपनी बीमारी को छुपा कर रखती है। उसका मतलब ये है कि ज़्यादातर औरतें अपने जिस्म की तकलीफ़ को अपने शौहर से ज़रूर छुपा कर रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि औरतों की इस बात को छुपाने के पीछे एक ख़ास वजह होती है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका शौहर उसकी वजह से कभी परेशान हो। उन छोटी छोटी बातों को लेकर उनके शौहर को कभी कोई परेशानी उठानी पड़े। यही वजह है कि औरतें जहाँ तक हो सकें अपनी बीमारी को अपने शौहर से छुपा कर रखती हैं। मगर यहाँ पर शौहर का फ़र्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवी का हर तरह से पूरा ख्याल रखे, उसके हर छोटे बड़े दुख तकलीफ़ को समझें और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। नंबर 2, औरतें अपनी ख्वाहिश अक्सर अपने शौहर से छुपाती हैं। वो है औरतों की ख्वाहिश। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेकर मियाँ बीवी में रजामंदी नहीं बन पाती। वो ऐसे वक्त में मियाँ बीवी में से किसी एक को पीछे हटना होता है। ऐसे वक्त में औरतें ही पीछे हटकर अपने शौहर की बात को मानती हैं और कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि शौहर को ही बीवी की बात माननी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर औरतें मानती हैं, चाहे औरत उस फैसले के लिए दिल से खुश हो या ना हो, मगर वो अपने शौहर की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश को मार देती है और उसके बारे में अपने शौहर को कभी नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर शौहर का भी ये फ़र्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवी को समझे, उसकी ख्वाहिश को समझे, उसकी ख्वाहिश को उसकी इज्जत दे। इज्जत करने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 3, अपने ससुराल के राज। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत को अपने ससुराल के कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार या फिर शौहर के कुछ दोस्त उसको नापसंद करते हैं। उसकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उन बातों का जिक्र कभी भी अपने शौहर के सामने नहीं करती, कि वो उन बातों के बारे में कभी भी अपने शौहर को कुछ नहीं बताती। उन बातों को हमेशा अपने आप से छुपा कर रखती है। उसका मतलब ये है कि कोई भी बीवी अपने शौहर से उन बातों को कभी भी शेयर नहीं करती, जबकि वो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को उन बातों के बारे में बताती है, लेकिन अपने शौहर को कभी नहीं बताती। नंबर 4, पैसों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत पैसों को लेकर कितनी समझदार होती है। हर औरत अपने अपने शौहर से छुपाकर कुछ पैसे ज़रूर बचा कर रखती है। इसी वजह से कहा जाता है कि हर औरत के पास एक छुपा हुआ ख़जाना होता है, मगर वो उसको कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती। उसके पास कितने पैसे जमा हैं, उससे कितने पैसे बचा कर रखे हैं, हालांकि औरत फिर उन्हीं पैसों को ज़रूरत पड़ने पर अपने शौहर को दे देती है, मगर उससे पहले वो उस बात को अपने शौहर से ज़रूर छुपा कर रखती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कोई भी औरत अपने पुराने वक्त के बारे में कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती, यानी कि अगर उसने शादी से पहले किसी से मोहब्बत की है तो वो उसका जिक्र भी कभी भूल कर अपने शौहर के सामने नहीं करती। इस बात को छुपाने के पीछे एक ख़ास वजह यह है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उनकी इस बात की वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दरार पैदा हो। यानी कि हर औरत को ये डर रहता है कहीं उस बात को सुनकर उसका शौहर नफरत ना करने लग जाए, कहीं उसके दिल में ख़त्म ना हो जाए। उसकी अक्सर औरतें इस बात को अपने शौहर से ज़रूर छुपा कर रखती हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें पुरसकून ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।